खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं यह शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के दो फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है और वो जौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमतुज़्ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तिला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बददुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी ऐ अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना और इनसे कहो हम पर लानत न करें। हे मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो, और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सब के घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सब ने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम लोगों में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसके बारे में यौमे गदीर पर रसूल अल्लाह ने फरमाया हो, जिसका मैं मौला हूं ये अली उसके मौला है। ऐ अल्लाह, अली के दोस्त को दोस्त रख, अली के दुश्मन को दुश्मन रख, और जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर, और जो अली की मदद ना करे तू भी उसकी मदद ना कर। ऐ अली, तुम्हारी बात सही है। खुदा की कसम ये सब खसूसियात सिर्फ तुम्हारी हैं।
ऐ भाइयों और बहनों, अपनी जगहों पर ठहरो, इधर उधर मत जाओ, गर्मी की शिद्दत तुम लोगों को थका देगी। थोड़ी देर बाद रसूल अल्लाह हम सब से खिताब फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اے لوگو میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اہل بیت قرآن اور اہلِ بیت اگر تم قرآن اور میری عطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے اے لوگو ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اے علی مبارک ہو اے علی مبارک ہو اے علی مبارک ہو کیا تم لوگوں نے نہیں سنا رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا ہمیں اس میں کوئی شک نہیں خدا شاہد ہے کہ میرے ایسے ہزاروں فضائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے اور میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صبر کروں گا
हम यहाँ कयाम करेंगे। अबू राफे, रहने के लिए ये जगह मुनासिब है क्या? तुमने इधर उधर नहीं देखा? ऐ इब्ने अब्बास, ठहरने का मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। रुकने का हुक्म आपने दिया है या अली? ये जगह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेहतर होता कि कल दोपहर तक यहां से निकल जाते और मुंतशिर होकर हर जगह पानी तलाश करते। मददगार कम हैं, लेकिन साबित कदम हैं। यहां से 1000 आदमी हमारे लश्कर में शामिल होंगे। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 1000? पूरे 1000, ना कम ना ज्यादा। इब्ने अब्बास, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने मौला की बात नहीं सुनी? कहा मददगार कम हैं, लेकिन साबित कदम हैं। ए मालिक, ये नहीं, दूसरी बात जो की है। कहा 1000 आदमी हमारे लश्कर से आ मिलेंगे, क्या तुम्हें इसमें शक है? बताओ, कोई शक है क्या? तुम्हें इसमें कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही? मालिक, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या परेशानी है इब्ने अब्बास? हाँ, वो तमाम कबाइल अमीरुल मोमिनीन के अंसार हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुआविया के साथ हैं। मैं उस 1000 के अदद की बात कर रहा हूँ। तुमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा होगा जो मेरी तरह अमीरुल मोमिनीन के कलाम के एक एक जुमले पर इतनी गहरी नजर रखता हो। तो तुम क्या कहते हो ए मालिक अश्तर? ये बात तो सही है, तू बाखबर है। तू परेशान ना हो। अगर 1000 अफराद ना आए तो इससे कम भी नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जब कहा 1000 शख्स, ना कम ना ज्यादा? तो क्या 1000 लोग आएंगे या 1000 से कम? मालिक, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका महज कूफा के मुनाफिकीन के हाथ लग सकता है? अनकरीब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा था 1000 शख्स और अभी तक 800 आए हैं। नहीं, 1001,